हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो में। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल्स के बारे में। मोटरसाइकिल्स हर लड़के का पसंदीदा वाहन मानी जाती है। जहां कोई इन मोटरसाइकिल्स को रफ्तार का मजा लेने के लिए चलाता है, वहीं कुछ लोग इन्हें अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट करने का एक जरिया मानते हैं। पर आज मैं आपको आम मोटरसाइकिल्स नहीं दिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक मोटरसाइकिल्स की एक लिस्ट दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यह कोई नॉर्मल मोटरसाइकिल्स नहीं, परंतु दुनिया भर से चुनी हुई कुछ ऐसी यूनिक मोटरसाइकिल्स हैं, जिनमें कुछ अलग फीचर्स हैं जो आम मोटरसाइकिल्स में नहीं पाए जाते। तो चलिए ज्यादा समय ना खर्च करते हुए देखते हैं इन मोटरसाइकिल्स को। पेश है आपके सामने टॉरस 2x2। यह बाइक किसी भी तरह की जमीन पर चलने के लिए बनाई गई है। इसे बनाने वाले रशिया के एक आर्मी पर्सन हैं, जिन्होंने इसका आइडिया सोचा और कई साल इसको बनाने में लगा दिए। यह बाइक उबड़ खाबड़ जमीन से लेकर कीचड़ भरी जमीन पर चलने में सक्षम है। रशिया के सैनिकों को ज्यादातर समय जंगलों में ही बिताना पड़ता है और वहाँ के जंगलों का सामना करने के लिए इस बाइक की रचना करी गई, जिससे यह सैनिक आराम से इधर से उधर जा सकें। यह बाइक बहुत ही लाइटवेट है और इसके टायर भी बहुत ही हल्के हैं। यह राइनो बाइक एक बहुत ही विचित्र बाइक है। इसमें केवल एक ही टायर है और मजे की बात तो यह है कि इसे कोई भी चला सकता है, क्योंकि इसमें जाइरो सेंसर्स मौजूद हैं, जिससे कोई भी इंसान इस बाइक से गिरता नहीं है और यह बाइक अपना संतुलन बनाए रखती है। इस बाइक को चलाना बहुत ही आसान है। भले ही देखने में यह अजीब लगती हो, पर यह काफी स्मूथ और तेज बाइक है। होंडा मोटोकॉम्पो एक बहुत ही यूनिक तरह की बाइक है। इसका साइज आम बाइकों से काफी छोटा है और यह किसी बच्चे के खिलौने की तरह लगती है, परंतु इसमें वह सारे सिस्टम हैं जो कि एक आम बाइक में मौजूद होते हैं। इसमें एक छोटा सा इंजन भी दिया गया है और इसको आप अपने किसी भी सफर में अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके हैंडल इस बाइक के अंदर ही चले जाते हैं, जिससे यह ज्यादा जगह नहीं घेरती और आपकी कार में भी आराम से आ सकती है। भले ही देखने में यह छोटी हो, परंतु परफॉर्मेंस के मामले में यह बड़ी बाइकों से कुछ कम नहीं है। इसे भी उसी तरह चलाया जाता है जिस तरह बड़ी बाइकों को चलाया जाता है। अपने साइज की वजह से यह बच्चों में भी बहुत चर्चित है। यह है BMW की फ्यूचर बाइक नेक्स्ट 100। इस बाइक को फ्यूचर का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। हालांकि अभी यह बाजार में लॉन्च नहीं हुई है और यह इस बाइक का केवल एक प्रोटोटाइप ही है, परंतु इस बाइक में इतने सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं कि एक्सीडेंट नाम का शब्द आने वाले समय में रहेगा ही नहीं। यह बाइक पेट्रोल से नहीं चलती। इस मोटरसाइकिल की खास बात यह है
इसके साथ एक स्मार्ट सूट आता है जिसको मोटरसाइकिल को चलाते हुए पहनना पड़ता है। यह स्मार्ट सूट आपको हर तरह के एक्सीडेंट से बचाता है और इसमें तरह तरह के सेंसर्स फिट किए गए हैं जो आपके बाइक चलाने के ढंग के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं और बाइक को गिरने नहीं देते। दोस्तों, यह है यामाहा की मोटोबोट बाइक। इसे यामाहा अपनी फैक्ट्री में नई मोटरसाइकिल्स को टेस्ट करने के लिए यूज करता है। यह बाइक अपने आप ही चलती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रुकती, मुड़ती या फिर स्पीड बढ़ाती है। आने वाले समय में ऐसी बाइक ही मनुष्य का काम बहुत ही कम कर देंगी।